हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल एम योर मैथ टीचर चारू दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक एंगल एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट विच मींस एन एंगल एक एंगल किससे बना हुआ है टू रेज से और जो टू रेज है वो एक कॉमन एंड पॉइंट से स्टार्ट हुई है तो एक एंगल किसकी हेल्प से बना है टू रेज से बना है और जो कि एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हुई है एज यू कैन सी इन दिस फिगर ओ पी एंड ओ क्यू आर द टू रेज विच स्टार्ट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट ओ सो एंगल इज मेडअप ओफ Two rays OP and OQ. Now, next topic is sides of angle. The two rays forming the angle. OP and OQ are the side in this figure. Now, third topic is vertex. The common endpoint O is the vertex in this figure. Therefore, we can say that the common endpoint is vertex and op and oq are the sides of the angle now how we can denote the angle angle is denoted by this symbol and common point vertex in the middle of the angle an angle is denoted like this p o q therefore we can write in this form: angle POQ. Now, interior point in this figure is X, and exterior point is which is outside the angle POQ. Outside point of angle POQ is Z point, which is outside the angle. ऑन एंगल पीओ क्यू पॉइंट आर पी ओ एंड नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक एंगल साइड्स ऑफ एंगल वर्टेक्स इंटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑन द एंगल पीओ क्यू अब तक हमने फर्स्ट फिगर डिस्कस किया था जिसमें हम एंगल को कैसे डिनोट करते हैं एंगल पी ओ क्यू पीओ क्यू हमने इस तरह से डिनोट किया है कि जो वर्टेक्स है वो सेंटर में आएगा तो डिनोट कैसे किया हमने एंगल को एंगल पीओ क्यू नाउ प्रोसीड टू सेकेंड फिगर इन विच वन पॉइंट एंड वन रे इज कॉमन वन पॉइंट पी इज कॉमन एंड दिस इज वर्टेक्स एंड वन रे विच इज पी बी इज कॉमन इन दिस फिगर सो फर्स्ट एंगल इज डिनोटेड लाइक सेम इन फर्स्ट ए पी बी एंड सेकेंड एंगल इज सी पी बी जब हम एंगल को डिनोट करेंगे तब जो वर्टेक्स पॉइंट होगा वो कहां पर आएगा मिडल में तो वन एंगल इज एंगल ए पी बी एंड अदर एंगल इज सी पी बी बोथ दिस एंगल फॉर्म ए सिंगल एंगल विच इज पी सी देर फोर कंबाइनिंग एंगल ए पी बी की, दो हाफ ऑफ एंगल को मिलाकर एक कंप्लीट एंगल बन रहा है और वो एंगल पी ए और पी सी रे की हेल्प से बन रहा है तभी हमने इसका नाम रखा A, P, लेकिन जो अपर हाफ एंगल है वो किसकी हेल्प से, PA से है पी ए रे और पी बी रे की हेल्प से बना है इसलिए हमने एंगल इस का नाम क्या रखा था ए पी बी और सेकेंड हाफ जो एंगल है वो किसकी हेल्प से है पी सी रे की हेल्प से और पी बी रे की हेल्प से तभी हमने इसका नेम क्या रखा था सी पी बी इसमें हमने एक बार ध्यान रखनी है जो वर्टेक्स है वो सेंटर में आएगा यानी कि जो पी पॉइंट जो कॉमन पॉइंट जो कि वर्टेक्स था हमने तीनों एंगल में कहां पर रखा है मिडल में रखा हुआ है जैसे ए पी बी सी पी बी एंड ए पी सी आज हमने एंगल साइड्स ऑफ एंगल वर्टेक्स ऑफ एंगल एक्सटीरियर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट एंड पॉइंट ऑन द एंगल डिस्कस किए हैं और हमने फिगर डिस्कस किए हैं जिसमें ओनली वन पॉइंट कॉमन है और सेकेंड हमने फिगर डिस्कस किया है जिसमें वन पॉइंट और वन रे कॉमन है और एंगल को डिनोट कैसे करते हैं हमने आज ये सीखा आई होप सो आज की टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे थैंक यू